Hello, candidates, and welcome to Government Crackers. So, today we'll be discussing the important questions that can come across the examination. तो विल बी टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री अफेयर्स बेसिक मिलिट्री अफेयर्स विच कैन कम अक्रॉस द एग्जामिनेशन सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर बेसिकली आस्ड इन इंटरव्यूज ऑल्सो और एनी डिफरेंट एग्जामिनेशन दैट यू आर गिविंग अप ठीक है सो एक ही करके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौन से सेक्टर से आपको कितना पढ़ने की जरूरत है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी तक जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दे कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स एंड साथ ही आपको बता दें कि जितने भी हमारे डिफेंस कोर्सेज हैं 2021 बैच के लिए ऑल यू कैन गेट बिटवीन द रेंज ऑफ 500 टू 1000 तो अभी तक किसी ने रजिस्टर नहीं करा है तो अपने आप को जाके रजिस्टर करके कोर्स अवेल कर सकते हैं कमिंग टू द कमांड सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कमांड्स के बारे में जानना यानी हमारी इंडियन डिफेंस सर्विसेज के कमांड्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी

साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर एंड सदरन कमांड पुणे वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर ठीक है तो ये हमारे सेवन इंडियन आर्मी कमांड्स हो गए जिनको मैंने एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है उसके बाद आ जाते हैं एयरफोर्स कमांड्स के ऊपर तो एयरफोर्स के कमांड्स हैं आपका सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज इलाहाबाद वेस्टर्न एयर कमांड न्यू डेली ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग मेनटेनेंस कमांड नागपुर ट्रेनिंग कमांड बांगलुरू साउथ वेस्टर्न एयर कमांड तिरुवनंथापुरम एंड साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर ठीक है नेक्स्ट इज कमांड ऑफ नेवी वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई सदर नेवल कमांड कोची एंड ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम नाव विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट आर्मी एयर फोर्स एंड नेवी चीफ्स ठीक है इनके बारे में हम देखेंगे तो अभी जो हमारे फर्स्ट सी डी एस हैं जो इन तीनों चीफ्स के ऊपर एक कॉमन रैंक आई है वो है सी डी एस की एंड फर्स्ट सी डी एस इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत यू वाई एस एम ए वी एस एम वाई एस एम एस एम वी एस एम ए डी सी तो एट टाइम्स ये ऑनर्स भी दे दिए जाते हैं पूछ लिए जाते हैं तो इनको भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मैंशन करा हुआ उसी तरह आर्मी के लिए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पी वी एस एम एयर एस एम एस एम एंड मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया पी वी एस एम एस एम वी एम एडी एडीसी एंड एडमायरल करमवीर लांबा पी वी एस एम एस एम एंड एडीसी अब इनके प्रेडिस भी पूछे जाते हैं किसको ये सक्सीड कर रहे हैं ठीक है तो बी एस धनोवा जो है एयर एयर फोर्स के केस में है पिन रावत हो गए ये आ, जो है आर्मी के केस में है एंड सुलील लांबा जो है वो नेवी के केस में है ठीक है तो ये मैंने आपको एंड प्रेजेंट चीफ्स के बारे में बता दिया जो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट इज फॉर्मेशन के बारे में यानी कौन सा डिफेंस फोर्स का फॉर्म हुआ था और उनके पीछे फॉर्मेशन के बिहाइंड मोटो क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ले जाता है दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन मगर हम कभी इन पे ध्यान नहीं देते हैं एंड वी लूज मार्क्स आल्सो तो यहाँ पे आपकी ये हो गए जैसे आर्मी डे आपका 15 जनवरी को एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है अब क्वेश्चन है क्यों सेलिब्रेट होता है सेलिब्रेट इसलिए होता है क्योंकि इस दिन जो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा थे इन्होंने फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का हैंड ओवर लिया था पोजीशन का फ्रॉम किससे लिया था क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सो फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस बच्चर इन्होंने लिया था 15 जनवरी 1949 को दे को एंड इसी मार्क करने के लिए वी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयरफोर्स के बारे में सो एथ अक्टूबर को हम क्यों एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इंडियन एयरफोर्स इस दिन ऑफिशियली रेज हुआ था 1932 में सपोर्टिंग द रॉयल एयरफोर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड जो फर्स्ट ऑपरेशनल स्क्वाडन था वो 1933 में रेज हो गया था नेक्स्ट सेम अबाउट नेवी नेवी डे डे हम 4 दिसंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं क्यों सेलिब्रेट करते हैं टू रिकोगनाइज द अचीवमेंट्स एंड द रोल ऑफ इंडियन नेवी ड्यूरिंग 1971 ऑपरेशन त्रिदंडो हुआ था ऑपरेशन इंडियन नेवी जिसमें चार पाकिस्तानी व्हीकल्स पी एन एस किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी नेवी पर्सनल्स ठीक है तो चार इंडियन नेवी आ, फोर पाकिस्तानी वेसल्स इंक्लूडिंग खैबर ये जो है सैंक हो गए थे तो इन डे को मार्क करने के लिए हम नेवी एयरफोर्स एंड आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं तो आपको यहाँ पे डेट्स भी याद रखनी है और क्यों सेलिब्रेट करते हैं वो भी पता होना चाहिए इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके फॉर्मेशन डेज एंड मोटोज आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं सो कोस्ट गार्ड इज फर्स्ट फेब्रवरी 1977 सेवेंटी मोटो इज़ वी प्रोटेक्ट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सी आर पी एफ ट्वेंटी सेवें जुलाई नाइनटीन थोटी नाइन पीस कीपर टू द नेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन सिक्सटी फाइव कर्तव्य जीवन प्रयत्न ड्यूटी अन् टू डेथ टेरिटोरियल आर्मी नाइंथ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी नाइन सावधानी व शूरता विजिलेंस एंड वैलर इंडो तिबेतीन बॉर्डर फोर्स ट्वेंटी फोर्थ नाइनटीन सिक्सटी टू वैलर स्ट्रीट एंड कमिटमेंट Central Industrial Security Force Protection and Security 1969 10th March Shashastra Seema Bal 20 December 1963 Service Security and Brotherhood National Cadet Corps NCC 15 July 1948 Unity and Discipline National Security Guard 30 March 1984 Sarvatra Sarvottam Suraksha Military Nursing Services Service with a Smile National Disaster Response Force 2006 Saving Lives and बेऑन सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेश डेट ऑफ फॉर्मेशन एन मोटोस नेक्स्ट इज आपको पता होना चाहिए आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के इम्पॉर्टेंट डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर आर्मी इट इज़ एन डी ए नैशनल डिफेंस अकैडमी खड़ग वासला नेक्स्ट इज नैशनल डिफेंस कॉलेज न्यू डेली कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकाडमी चेन्नई हाई आल्टिट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉर्फेयर स्कूल बेरियाटेज मिजोरम इंफेंट्री स्कूल मऊ एंड बेलगाम आमड कॉप सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर, स्कूल ऑफ आर्टिलरी दिवाली देन कमिंग टू इंडियन एफ एफ स्कूल सांबरा फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल तंबारम हेलीकाप्टर ट्रेनिंग स्कूल आवादी कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद एफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयंबटूर एफ एकेडमी हैदराबाद एफ टेक्निकल कॉलेज जालाहाली एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदार पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन बैंगलोर कमिंग फॉर नेवी आईएनएस एन चिल्लिका भुवनेश्वर आईएनएस हंसा गोवा नेवी शिपराइट स्कूल विशाखापट्टनम आईएनएस एन विशाखापट्टनम आईएनएस एन एस कोची आईएनएस शिवाजी लोनावला आईएनएस एन वालसुरा जामनगर आई हामिया मुंबई आए एन कुंजे मुंबई आईएनएस अश्विनी मुंबई आईएनएस अग्रानी कॉम्बेटोर नेवल अकाडमी एजिमाला केरला ठीक है नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड ऑनर्स नाउ दीज रैंक्स एंड ऑनर्स आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इन बिटवीन दोनों ही पता होना चाहिए एंड कंपेरेटिव आपको नेवी आर्मी एफोर्स तीनों का पता होना चाहिए ठीक है तो कभी आपसे इंटरव्यू में या किसी रिटर्न एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट रैंक बताओ तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी लास्ट रैंक पे जो ऑनरेरी रैंक्स हैं फील्ड मार्शल फॉर आर्मी मार्शल ऑफ एयर एंड एडमायरल ऑफ द फ्लीट ये तीनों ऑनरेरी रैंक्स हैं आर्मी एफ एंड नेवी के लिए ठीक है जो लास्ट रैंक हमारी यहाँ पे होगी वो होगी जनरल एयर चीफ मार्शल एंड एडमारल की बाकी मैंने बताया वो ऑनरेडी रैंक है सिर्फ वॉर के टाइम पे दी जाती हैं ठीक है थीके? अब आ जाते हैं लेफ्टिनेंट इन आर्मी इज इक्वलेंट टू फ्लाइंग ऑफिसर एंड सब लेफ्टिनेंट कैप्टन इज इक्वल टू फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड लेफ्टिनेंट मेजर इज इक्वल टू स्क्वाडन लीडर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल इज इक्वल टू Wing Commander and Commander Colonel is equal to Group Captain and Captain Brigadier is equal to Air Commodore and Commodore Major General Air Vice Marshal Rear Admiral Lieutenant General Air Marshal Vice Admiral General Air Chief Marshal Admiral ठीक है तो ये रैंक्स आपको रता होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इन बिटवीन ऑल्सो नेक्स्ट कमिंग टू इंपॉर्टेंट वॉर्स जो आपको पता होना चाहिए सो so इनके बारे में इन ब्रीफ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए रिटर्न एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हुए हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए उसी तरह इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट वाज़ द कंक्लूजन क्या हुआ था बेसिकली वॉर्स में सो so, इंपॉर्टेंट हमारे पास चार से पांच वॉर्स हैं इनको हम देख लेते हैं फर्स्ट वॉर था 1947-48 में कश्मीर वॉर था देन साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 इंडिया चाइना वॉर कह सकते हैं देन द इंडो पाक वॉर अगेन नाइनटीन देन चाइना इंडिया वॉर नाइनटीन इंडो पाक वॉर 1971 एंड देन लास्ट वाज़ द कारगिल वॉर 1999 तो so, इनके पीछे के रीजंस इनके पीछे के एग्रीमेंट्स इनके पीछे के इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस इन बिटवीन जो हुए हैं वो आपको थोड़ा सा और लुक ओवर करने की जरूरत है तो दिस वाज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री कॉन्सेप्ट जो बेसिक मिलिट्री कॉन्सेप्ट है टाइम्स इट्स सेम्स बेसिक लेकिन हम कभी कभी इसको मिस कर जाते हैं आप में से बहुत लोगों को आई होप नहीं पता होगा कि हम आमी एफर्स डे क्यों मनाते हैं ठीक है इन सिमिलर वे बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता पता या पता है तो एक बार दोबारा मगअप करने की जरूरत है सो so, उस कॉन्सेप्ट के साथ आई गिवन दिस सेशन आई बी बैक विद द नेक्स्ट सेशन ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट ट्रैकर्स एंड फॉर फर्दर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू चेक दीज वीडियोज फॉर डिटेल नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स